तो आज बताएंगे कि हमारे पौधे में कीड़े लगते हैं, तो ये चीज़ सबसे पहला जरूरी बात क्या है जानना, वो जाने। कीड़े कई प्रकार का होता है और कीड़ा का पहचान होना चाहिए आपको कि यदि ये कीड़ा जो आपको दिख रहा है ये फूल को अच्छा से खिलने नहीं दिया है। ये जो फूल आप देख रहे हैं इस फूल को खिलने नहीं दिया है और ये बहुत ही भयंकर फूल है। और ये देख सकते हैं एक जो कली है, इसी का बगल में अलग कली है, इसे तो खिलने देगा ही नहीं, और खिला भी है तो बहुत ही छोटा साइज का खिला है। दूसरा आपको दिखाते हैं इसी पेड़ में, इसका साइज देखें, फूलों का साइज देखें, बहुत ही अच्छा। और ये गुच्छे में आता है फूल, और ये जो है हाइब्रिड का गुड़हल पौधा है और इसमें फूल लगातार आता ही रहता है, यानी कि डेली बाय डेली 2 से 4, 10, 12, 20, 25 ऐसे करके इसमें फूल आता है। तो इस पेड़ में यदि ये कीड़ा लग गया है, यदि हम ध्यान नहीं देंगे, कीड़ा का नाम है मिलीबग। और मिलीबग किस किस चीज़ से जाता है आप घरेलू तरीका भी बताएंगे और मार्केट वाला भी बताएंगे कि मार्केट से भी आप लाएंगे तो मार्केट का क्या नुकसान करता, और घर का जो होता है नुकसान नहीं, हमारे पौधे में फायदा ही फायदा पहुंचता है। तो फायदा किस चीज़ का है और इसे कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसे ठीक करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें पानी डालेंगे। आपको दवा बना के दिखाएंगे कि कैसे इसमें हम मिलीबग का 2 से 3 तरीका बताएंगे और सब नेचुरली घर का तरीका बताएंगे। सबसे पहला आपको लेना है सरफ, कोई भी सरफ आप घर में यूज करते हैं, एरियल यूज करें, टाइट यूज करें, या ये सरफ क्या नाम है इसका, या आप व्हील सरफ यूज करें। तो दोस्तों यूज कैसे करना है ये देखें, कहीं से लाना नहीं है, आपको घर में ही मिल जाएगा। आपको 1 चम्मच भर के लेना, इस तरह से डाल देना है। इसके बाद आपको लेना है इसमें हल्दी, इस तरह से हल्दी ले लिए 1/2-1/4 चम्मच, और इसका देख सकते हैं कलर चेंज हो गया, क्योंकि जब भी आप सरफ में कोई भी हल्दी डालते हैं तो ये चेंज हो जाता है, ये अपना कलर हट जाता है, मतलब पीला से लाल हो जाता है, क्योंकि इसमें सरफ का मिश्रण हो गया। और इसे आपको क्या करना है, यहाँ लेना है आपको 1.5 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी में आधा आपको डाल देना है। इसे आधा डालकर आपको क्या करना है, इसमें स्प्रे करना है, इसमें स्प्रे करना है। कितने कितने दिनों में करना है, तो आप अभी जब इस तरह से लगा हुआ है तो आप शाम को या सुबह को डेली बाय डेली आप कर दें, स्प्रे कर दें। दूसरा आपको बताएंगे, दूसरा तरीका बताएंगे कि इसे हम, दूसरा तरीका क्या है जो अपने पौधों को कीड़ों को भगा सकते हैं। तो फिर से हम ले यहाँ पानी, और आपको लेना है ये सेमफूल, सेमफूल भी आपको लेना है 1 चम्मच, इस तरह से सेमफूल हम ले लेते हैं। इस सेमफूल को ले लिए, लेने के बाद आपको 1 चम्मच भर के लेना है, और इस चम्मच में हमारा चिपका हुआ है, अच्छा से इसमें पानी में हमारा घुल जाए। अब ये जो देख रहे हैं ये एलोवेरा जेल है, ये मार्केट में मिल जाएगा। यदि आपके घर में एलोवेरा जेल ओरिजिनल नहीं है, यदि है तो उसे पीस कर पेस्ट आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ये 1 चम्मच, इसे यूज कर दे पानी में। जो भी बता रहे हैं ये हम खुद घर में किए हैं और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, करने में क्या हर्ज है, आपको ये ऑर्गेनिक है, घर का है, और ये जेल अपने चेहरे में लगाते हैं, केवल हम पौधा में लगाने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा समझाएं, ये जो है मिलीबग लगा हुआ है तो ये कीड़ा तो है ही, पर ये जो है हमारे तने को छेदा कर दिया, यानी कि यहाँ पर वो जख्म हो गया है। हम हल्दी भी इसलिए डालें कि जख्म के भरेगा, यानी कि इसमें जो छेद कर दिया है, यहाँ से छेद करने के बाद इसमें वायरस घुसेगा तो यहाँ से सूखना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो कीड़े के साथ भगाते के साथ में हमें पौधा को भी देखभाल करना होगा। तो इस तरह से आप मिलाकर 1.5 लीटर पानी में आपको इसे डालना है। तीसरा तरीका आपको बताएंगे, इस तरह से हम इसलिए आपको बता रहे हैं, आप अपने अनुसार जो आपके घर में है उस चीज़ से अपने पौधों को बचा सकते हैं। यहाँ पर फिर से पानी लिए, लेने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रॉप क्या है, ये ड्रॉप है तारपीन तेल। तारपीन तेल आपको क्या करना है, इस तरह से होम्योपैथी का अधिक किस तरह से बोतल मिल जाता है, इसे हम चम्मच से नाप कर नहीं देंगे, क्योंकि जो किरासन तेल होता है वो नीला होता है, और इसे फिल्टर करके
चीज वही रहता है, ये हो जाता है तारपीन, यानी कि व्हाइट केवल पानी। तो इसे लेना है हमें 5 बूंद, इस तरह से 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद और 5 बूंद। यदि गलती से एक आध बूंद गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये पौधा को हमारा जला ना दे। केवल हमें इसका गंध से देखेंगे, चींटी वगैरह आदि पौधा में लगता होगा या कहीं भी आपका चींटी लगता है, केवल उस जगह में छिड़क दें तो चींटी भाग जाता है, या डायरेक्टली उसको पड़ जाए तो वहाँ मर जाता है। तो इसे आपको क्या करना है, लेना है इस तरह से बोतल में, और बोतल में लेकर इसे टाइट कर दें, इसमें अच्छा से गैस बनने दें, इसे बिल्कुल धूप में रख दें। धूप में रखने के बाद उसके बाद 1 से 1.5 घंटा के बाद जब अच्छा से इसमें गैस बन जाए पानी में हमारा, तब आप छिड़काव करेंगे तो देखेंगे तुरंत तो कीड़ा भागेगा ही, पर इसका जब हम इसमें कुछ मिलाए नहीं है, केवल किरासन तेल है यानी कि तारपीन तेल, तब हमें क्या करना है, जब कीड़ा हमारा भाग जाएगा तो हल्दी और ये एलोवेरा जेल का मिलाकर इसमें अच्छा से जैसे जख्म में लगाते हैं उस तरह आपको लगाना है। दोस्तों ये फिर से पानी दिए हैं, अब जो दिए बता रहे हैं आपको वो कीड़ा भगाने का नहीं बता रहे, क्योंकि जब पौधा में हमारा कीड़ा अच्छा तरीका से लग चुका है और भगाएं तो कीड़ा को है ही, पर उसे हम ठीक कैसे करें, कीड़ा के वजह से हमारा ग्रोथ रुक गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये लेना है, लेना है 1 पैकेट इनू। इनू क्या करेगा, इसमें हमारा पौधा में जहाँ भी हमारा जख्म है, ग्रोथ रुक गया है, तना सूख रहा है, तो 1 लीटर पानी में इसे क्या करना है, जैसे कि अभी हम करके दिखाएंगे आपको, इस पानी में हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे इस तरह से, 1 पैकेट पूरा डाल दें, और इस बोतल को ये जो आधा है इसे पूरा हम भर लेते हैं। इनू हम घोर दिए इसमें, पर इसे हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे अच्छा से, और सबसे पहले हम आपके सामने इस कीड़ा को निकालेंगे। कीड़ा निकालने के बाद इसका छिड़काव करेंगे पूरा पौधा में। केवल हम सब चीज़ आपको बताएं ताकि आप समझ सकें कि किस तरह अपने पौधों में करना है। अब इसे हम भरेंगे, ये सरफ वाला पानी है, हल्दी वाला पानी है, इसे भरेंगे, और इसमें पानी हम अच्छा से मिला दिए हैं। मिलाने के बाद आपके सामने ही इस कीड़ा को निकालेंगे। अब इसे नीचे करते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह से ये निकलता है। ये कीड़ा सारा निकल चुका है, और फूल को भी निकाल देते हैं। ये फूल को निकाल दिए, और इस डंटी को देखें तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सारा ठीक हो चुका है। होता क्या है कि कितने लोग कीड़ा लगता है तो यहाँ से कट लगा देते हैं, पूरा पौधा में कीड़ा लग जाएगा तो पूरा पौधा को तो हम नहीं कट करके हटाएंगे। तो अब इसका जख्म को भरना है, तो इस तरह से आपको जख्म को भरना है, से हल्दी ले, और हल्दी लेने के बाद, हल्दी और एलोवेरा लेने के बाद इसका जो है ये पेस्ट इस जगह में इस तरह से लगाना है। इस तरह से लगाने के बाद अब जो है इसमें अच्छा से ग्रोथ होगा, नई विकास होगा, और इसे हमें काटना नहीं पड़ेगा, और इस तरह से सारे पौधे में हम छिड़काव कर देंगे। और जो इनू का जब हम छिड़काव करेंगे दूसरे दिन, तो हमारा क्या होगा कि इसमें जो ग्रोथ रुक गया है, ग्रोथ अच्छा तेजी से चलेगा, और ये इनू का पानी हम थोड़ा सा जड़ में भी देंगे इस तरह से, ताकि हमारा जड़ में भी किसी भी प्रकार का फंगस है तो जड़ का भी जो मिली बग है या फंगस है या किसी तरह का प्रकार का कीड़ा है वो भाग जाएगा। और इस तरह से अपने पौधों का देखभाल करें। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मिली बग में कुछ इस तरह से हमें बताएं, उपाय बताएं, तो एक नहीं 2-3 तरीका से बताए हैं। अब आपको ये देखना कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।